सतलुज दरिया में हो रही नजायज माइनिंग पर लिए एक्शन के बावजूद फरीदकोट का जिला प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद सोया नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदकोट शहर की, जहाँ जिला प्रशासन की नाक के नीचे नजायज तरीके से लाई रेत का गोरख धंधा सिकरों पर है और हर रोज बेहिसाब टिपरों घोड़ों में नजायज रेत लाकर सड़कों के दोनों तरफ अंबार लगाकर बेचा जा रहा है, जिस कारण चलते शहर में ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे शहर के लोग राहगीरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और ये हो रहा है राजनीति में दबाव रखने वालों के दबाव के चलते, जिससे कहीं ना कहीं फरीदकोट का जिला प्रशासन भी इन सब बातों को नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। इस संबंध में जब रेत ठेकेदार से बातचीत की गई तो उसने कार्ड दिखाते कहा कि रेत इन्होंने भेजी है और वह दरिया से पर्ची कटवा कर लाते हैं। दूसरी तरफ फरीदकोट में नजायज पहुंच रही रेत के बारे में एडीसी केशव हिंगोनिया से बातचीत की गई तो उन्होंने किए सवालों को दरकिनारे करते कहा कि फरीदकोट में दो माइनिंग बंद है, एक से ही रेत आ रही है। उन्होंने बाहर से टिपर आने में ट्रैफिक समस्या के बारे में कहा, उसके लिए पुलिस की टीम बनी हुई है। फरीदकोट से टुडे 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ 30-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਜਨ, ਕੋਈ 35-36 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। फरीदकोट में जो माइनिंग होती है इसमें 3 माइंस थी, 2 बंद है, 1 माइन चल रही है। वहाँ पे पूरी बिल्कुल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके हिसाब से माइनिंग हो रही है। और जहाँ तक कोई बाहर से कोई टिप्पर आने वाली बात है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसके लिए जो एक टीम बनी हुई ज्वाइंट टीम पुलिस की, माइनिंग अधिकारियों की और प्रशासन की, तो उस टीम को लिख के चार्ज करा लिया जाएगा जब पूछा जाएगा।